हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल बिकम फ्लैशिंग एक्सपर्ट में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप ITEL A23 Pro को फैक्ट्री रिसेट कैसे कर सकते हैं या फिर फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। रीजन कई सारे हो सकते हैं। पहला रीजन ये हो सकता है कि आपका फ़ोन स्लो चल रहा है, हैंग कर रहा है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि आपके फ़ोन में कोई अनवांटेड ऐप्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जा रहे हैं या फिर बहुत सारे अनवांटेड नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे एड्स आ रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर दें या फिर हार्ड रिसेट कर दें। कुछ भाई का को प्रॉब्लम ये होती है कि हो सकता है कि उनका फ़ोन हैक्ड हो और वो चाहते हैं कि हम अपने फ़ोन को फॉर्मेट कर दें। तो फॉर्मेट कैसे करना है अपने ITEL A23 Pro को वो देख लेते हैं, ठीक है। सिंपली आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में चले जाना, तो सेटिंग आपको यहीं पर दिख जाती है। सेटिंग में हम चले जाएंगे दोस्तों, कुछ इस तरीके से देखिए। और ये फ़ोन थोड़ा सा स्लो चलता है, लैगी फील कराता है, क्योंकि इसमें 1 GB की ही रैम है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें इससे इस फ़ोन के साथ कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलेगा। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, तो एक बार इसको बंद करूँगा। देख रहे हैं, मैंने पावर बटन को प्रेस करा, ये वर्क इतना स्लो करता है कि आपको क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो सिंपली फिर से हम पावर बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, सेटिंग पे हम क्लिक कर देंगे, आपके फ़ोन की जो सेटिंग है वो खुल चुकी है। अब प्रोसेस ये है, सिंपली आपको स्क्रॉल कर डाउन करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, आपको दिख जाएगा एकदम लास्ट में सिस्टम, तो सिस्टम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर से स्क्रॉल डाउन करना है कुछ इस तरीके से, आपको नीचे से 3 नंबर दिखेगा रिसेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। 3 ऑप्शन फिर से दिखेंगे, इरेज ऑल डेटा पे क्लिक करके एवरीथिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इरेज एवरीथिंग पे क्लिक करते ही आपका फ़ोन ऑफ होगा, ठीक है। ऑफ होकर ऑन होगा, उसके बाद आपका फ़ोन पूरी तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा। फॉर्मेट करने का तरीका आप देख ही पा रहे होंगे कैसे हमने बहुत ही ईजी वे में इसको कर दिया है फॉर्मेट। तो यही सीमलेस तरीका है। फ़ोन ऑन हो जाने के बाद सेटअप करने का प्रोसेस भी आपको समझा दूंगा, क्या कुछ है सारा कुछ इसमें बता दूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना रह जाए, आपका आपके मन में कोई सवाल या कुछ भी हो वो आपका दूर हो जाए, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपने आप ITEL A23 Pro को फैक्ट्री रिसेट या फिर कहें कि फॉर्मेट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। ये फ़ोन जो है वो बहुत ही कम रैम का है, 1 GB रैम का है, तो इससे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें कि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलेगा, ठीक है। बट हाँ, पहले से जो स्लो चल रहा होगा उससे काफ़ी बेहतर हो जाएगा और आपका फ़ोन काफ़ी बेहतर चल सकता है। तो दोस्तों ये है तरीका, प्रॉपर और सही तरीका, क्योंकि और भी सारे तरीके हैं फ़ोन को फ्लैश करना, फ़ोन में सॉफ्टवेयर चढ़वाना या फिर चढ़ाना, तरीके बहुत सारे हैं दोस्तों। लेकिन वो वर्किंग तभी होते हैं कि जब आपका फ़ोन का रैम थोड़ा सा बेहतर हो। रैम तो बहुत ही बेहतर है नहीं इसका, जिस वजह से ये फ़ोन थोड़ा सा लैगी फील कराता है, ठीक है दोस्तों। तो और भी सारी जानकारी आपको मिलते रहे, उसके लिए अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़बरदस्ती नहीं कहूँगा कि आप सब्सक्राइब करिए, आपकी मर्जी है, आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरीके का और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो कंटेंट आपको जो भी मिलता रहेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ सेटअप का प्रोसेस। अगर आपका फ़ोन ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगाता है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, पेशेंस रखना है, थोड़ा सा सब्र रखना है, क्योंकि आपके फ़ोन को जो भी ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है आफ्टर फॉर्मेट या फिर आफ्टर फैक्ट्री रिसेट। तो ये तरीका है, इस तरीके से इजी वे में समझकर हम काम करते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंदी या फिर लंबा हो जाता है मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ स्क्रैच से लेकर एंड तक आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ कि इस बीच में कोई प्रॉब्लम अगर आ जाए तो उसको भी आप टैकल कर सकें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी मैंने वीडियो को स्किप करके बना दिया और आप कमेंट में गालियाँ या फिर कमेंट में कुछ भी भरते चले जाओ। मैं यही सोचता हूँ कि जो भी कॉन्टेंट दूंगा, मेरे वीडियोज़ थोड़े से दिन तक यूट्यूब चैनल पर इसीलिए नहीं आते कि मेरे पास मैं जेन्युइन कॉन्टेंट बनाना चाहता था। मैं चाहता तो ऑलरेडी चैनल पे कुछ भी डाल सकता था, लेकिन मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि मुझे इस चैनल से पहचान मिली, आप लोगों से पहचान मिली है, इस चैनल को जाना जाता है, तो सिर्फ जेन्युइन कंटेंट के नाम पर, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जेन्युइन कंटेंट या जेन्युइन जो भी सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए कन्फिगरिंग योर फ़ोन, आपके फ़ोन को कन्फिगर किया जा रहा है, थोड़ा सा वेट कीजिए, उसके बाद का प्रोसेस आप देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिवाइस लॉक्ड बता रहा है, ये डिवाइस लॉक्ड
क्यों बता रहा होगा? क्योंकि मार्केट में दो टाइप के ये फ़ोन आए, एक तो जियो के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, और या फिर हो सकता है कि आपको किसी गवर्नमेंट सेक्टर से मिला हो, ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम आए तो आप अपने फ़ोन के सिम स्लॉट वन में जियो का सिम लगा दें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं होती है तो उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बता सकता हूँ, कमेंट कर दीजिएगा। सिंपली स्टार बटन पर हम क्लिक कर देंगे। स्टार्ट बटन पे जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए इतना स्लो है। सेटअप ऑफलाइन, ठीक है, सेटअप ऑफलाइन पे हम क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, जस्ट से एक लिखा हुआ आ रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद का प्रोसेस हम देख लेंगे दोस्तों। मोर मोर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मैंने क्लिक करा, ठीक है, सिंपली एक्सेप्ट में जैसे ही मैं क्लिक कर देता हूँ, आपको थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे पूछ रहा कोई लॉक लगाना चाहते हैं अपने फ़ोन में, तो सिंपली स्किप पे क्लिक कर दें, ये स्किप कर देंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकंड फिर से लिखा हुआ है, थोड़ा सा वेट करें, उसके बाद का प्रोसेस यहाँ पे देखिए एग्री, और यहाँ से अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इंडिया, नेक्स्ट, यहाँ से नेक्स्ट, ठीक है, और यहाँ पे सिंपली एक्सेप्ट पे क्लिक कर दें, ओके पे क्लिक कर दें, एंड फिर से ओके पे क्लिक कर दें। दैट्स इट, आपका फ़ोन पूरी तरीके से फॉर्मेट हो चुका है, फैक्ट्री रिसेट हो चुका है। तो ये रहा पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपके ITEL A23 Pro को फॉर्मेट करने का या फिर फैक्ट्री रिसेट करने का। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।